थार नगरी में शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। सुबह से तेज उमस भरी गर्मी के बाद दोपहर को आसमान बादलों की आगोश में समाया नजर आया। वहीं दोपहर को तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। प्री मानसून की पहली बरसात के बाद तापमान में कुछ कमी आने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात होने से खेतीहर भी खुश नजर आए। शहर में कई मुख्य मार्गों और निचले इलाकों में कई घंटों तक पानी की चादरें चलने से कई वाहन पानी में फंसे नजर आए। सरहदी बाड़मेर में शुक्रवार को मौसम ने कई बार करवटें बदली। अलमस्त सवेरे की शुरुआत बारिश के साथ हुई। जिले के कई इलाकों में गुरुवार को हुई बरसात के बाद शुक्रवार की सुबह की शुरुआत बादलों की ओट में छिपे सूरज के साथ हुई। दोपहर तक बादलों से छाए आसमान 1 बजे के करीब बरस पड़े। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। आधा घंटे के करीब हुई इस बारिश से शहर की निचली बस्तियां तालाब बनी नजर आई। कई जगह सीवरेज की लाइनों के चौक होने से सड़कें पानी से तरबतर नजर आई। शहर के परिवहन विभाग के आसपास सड़कों पर जबरदस्त जल जमाव देखा गया। वहीं सर्किट हाउस के पास भी आलम कुछ बदला हुआ नहीं था। यहां भी बारिश की वजह से सड़कें लबालब नजर आई। मूसलाधार बारिश के बाद शहर में सबसे बुरे हाल जिला कलेक्टर कार्यालय के थे, जहाँ पर पूरा कैंपस बारिश के पानी से भरा नजर आया। यहाँ राहगीरों को आने जाने में जबरदस्त समस्या का सामना करना पड़ा। कलेक्टर कार्यालय सरी के हालात जैसलमेर रोड और विवेकानंद सर्किल के थे। यहाँ भी पानी से लबालब भरी सड़कों के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के वाहन पानी में बंद पड़ जाने की वजह से लोग उसे धक्के लगाकर खींचते नजर आए। लोगों को प्री मानसून की पहली बारिश में उमस और गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। दोपहर की बारिश के बाद दिन भर छाए बादलों की वजह से मौसम ठंडा रहा, जिससे लोगों को पिछले सप्ताह भर से चल रही उमस से काफी राहत मिली। वहीं मौसम के लगातार बदलने से लोगों को काफी परेशानियों को भी झेलना पड़ा। आपको बता दें कि मॉनसून का समय नजदीक आने के साथ ही प्रदेश का मौसम रोज करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से मौसम खुशनुमा होने के साथ ही पारे में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 25 जून तक मॉनसून के राजस्थान में दस्तक देने की संभावनाएं हैं। इससे पहले बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी।